مجھے منظور ہے
चलो बताओ जनाब ये आपने लकड़ कौन बात सुनाई है लेकिन चलो बाप आए मालिक सुनो यार कौन बात है लेकिन भैया अगर कुंडिया रहे कुत्ता मार जाए भाई हमारे काट लो भाई यार छोड़ के कहीं चले जाओ भाई नहीं हमें इतना मालिक शरीर में जब पढ़ा रहा पड़े हैं पीटी में पूरे पढ़ा रहा पड़े हैं और की अगर लोट नहीं हो भैया कोई चिंता न बची हम आते हैं भाई इसलिए हमारे काट करो भाई तू चले जाओ भाई हमारे तुम्हें गौर पाओगे नहीं भैया चले जाओ मगर दोबारा ना आओ राम लेकिन तुम मजबूत हो क्या आयो तो मजबूत हो क्या नहीं तो आयो ना नहीं राम बलि अपनी मार को बताओ साथी आओ मत जरूर एक दिन लौट कर अगर इस दुनिया में जिंदा रहा तो अगर नहीं जिंदा रहा तो कोई बात नहीं भैया तो बताए आज जितनी जल्दी हो चले जाओ दूसरे राज्य में घूम रहे हो जाए मगर ये घर का नाम भाई भला बताओ कहाँ रक्षक मंत्री का त्यौहार है अब ये बिचारी मौत वही सुनी तो कहाँ बताइए भैया अब तुझे नकोट को भाग चले जाओ मैं तो आप में भगवान दिखता था लेकिन आप मुझे राजमाता की हत्या करने के लिए कह रहे थे और जब मैं आपका कहना नहीं किया तो आपने मेरे शरीर से सारे कपड़े उतार कर मुझे मारकर इस राज्य से बाहर करवा दिया सीखे पिताजी एक दिन आप पछताएंगे इतना पछताएंगे कि आपको पछताने का मौका नहीं मिलेगा दुर्गे मैया मुझे कोई रास्ता दिखा मुझे कोई उपाय बता दूंगी माँ मैं कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है तू? देख
मैं दुर्गे माँ बोल रही है। तो जिसको सोच रहा है कि हमारा पिता तो वो तेरा पिता नहीं है बेटा, तेरे पिता तो महाराज सज्जन सिंह है, बचपन में ही तुझे बदल दिया था और तुझे मार देना चाहता है। अगर तू यहां से नहीं जाएगा तो तुझे मार देगा। जा बेटा, अपनी जान बचा और अपने माता पिता के बदला चुका। जा, मैं दुर्गे माँ तुझे शक्ति दे रही हूं।